हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एटेक के बारे में। एटेक होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, हर एक चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज एटेक। एटेक का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग, इसको हम लोग हाइपरलिंक भी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन होता है, एंकर टैग इज यूज टू लिंक वन पेज टू अनदर पेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा कंपनी का वेबसाइट है techbiz.in index.html। तो यहाँ पर जो ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक आ रहा है index.html आ रहा है। अगर यहाँ पर आप दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, तो अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ का जो URL है, इसको हम लोग URL बोलते हैं, यहाँ का URL है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर contactus.html का पेज आ गया। तो ये जो हो रहा है, इसका आउटपुट जो आ रहा है, ये सब जो लिंक हो रहा है पेजेस, अगर मैं फिर से अगेन होम पे क्लिक किया तो index.html हो गया, राइट। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, एंकर टैग के हेल्प से हो रहा है। सो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और इसका नाम हाइपर लिंक रख देता हूं मैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दो पेज क्रिएट करने वाला हूँ। एक पेज में क्रिएट करूंगा जिसमें लिखा रहेगा, एक लिंक रहेगा पेज वन। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो एक और पेज डिस्प्ले होगा, दिस इज पेज वन करके, और दोनों दोनों का कोडिंग करने के बाद मैं इस फोल्डर में सेव करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करूंगा विंडो प्लस आर दबाकर। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हाइपरलिंक वाला प्रोग्राम है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है पेज वन करके। सो यहाँ पर HTML के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, मैं टाइप कर लूंगा। सो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइटल का नेम हाइपरलिंक दिया मैंने, राइट। उसके बाद आपको आउटपुट में दिख रहा है पेज वन। तो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करूंगा, ए टैग यूज करूंगा, href इक्वल्स टू डबल कोट, यहाँ पे मैं स्पेस देके, यहाँ पर मैं पेज वन, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेज वन दे रहा हूँ और यहाँ पे एक क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे कौन सा पेज पे लेके जाने का है, अगर मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज वन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज वन दिख रहा है आपको, राइट। सो पेज वन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो कौन से पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो उसका एड्रेस हम लोग डालेंगे, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, राइट। इसके हेल्प से हम लोग को कौन से लोकेशन पे जम्प करना है, उस पर हम लोग जम्प कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेव कर लूंगा, फाइल सेव एज, फोल्डर का नाम क्या है, हाइपरलिंक, जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है उसको ओपन करूंगा। और यहाँ पर अगेन हाइपरलिंक कोई भी नाम डाल सकते हैं, .html डाल के मैंने सेव कर दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर में हाइपरलिंक करके HTML फाइल क्रिएट हो गया है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा डबल क्लिक करके। सो आप देख सकते हैं यहां पर फ्रेंड्स, पेज वन करके ये लिंक जनरेट हो चुका है, राइट। सो इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी फाइल ओपन नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रहा है। सो क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर कोई एड्रेस डाला नहीं है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी सेकेंड वाला जो पेज है वो मैं क्रिएट कर लूंगा। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फर्स्ट वाला पेज रेडी हो गया मेरा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है जो मेरा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पेज वन, राइट। सो इसका मैं कोडिंग करूंगा। सो इसके लिए फिर से अगेन नोटपैड ओपन करूंगा और यहाँ पे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं मैं टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया और पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर
स्पेस वन, राइट। सो मैं यहां पर आउटपुट में दिस इज पेज वन दिख रहा है, तो ऐसे ही मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज पेज वन, राइट। इसको सेव करना है, फाइल सेव एज, याद रखो सेम फोल्डर के अंदर सेव करना है जहां पे मैंने ऑलरेडी हाइपरलिंक वाला फाइल सेव किया है। तो फाइल सेव एज मेरा जो फोल्डर था डेस्कटॉप पे हाइपरलिंक, उसके अंदर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। तो यहाँ पर पेज वन डॉट एच टी एम एल और इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपके आपका जो फोल्डर है उसके अंदर चेक करना है आपका दोनों ही फाइल होना चाहिए। तो डबल क्लिक करके ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, यहाँ पर मेरा एक मेन फाइल है हाइपरलिंक जिसमें लिंक है और दूसरा जिसमें टेक्स्ट है जिसमें दिस इज पेज वन करके है, राइट। सो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करूंगा, ये जो फाइल है इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड, क्यों ओपन विथ नोटपैड कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुझे कोडिंग में चेंजेस करना है। तो यहाँ पर पेज वन करके, राइट, अब इस पे क्लिक करने के बाद पेज वन जो लिंक है इस पे क्लिक करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए, वो पेज का नाम आएगा। तो ये पेज का नाम क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पेज वन। सो पेज वन और आपका ये जो पेज, ये जो फाइल है कौन सा फाइल है, एचटीएमएल फाइल है उसका एक्सटेंशन, तो पेज वन डॉट एचटीएमएल लगाना आपको नहीं भूलना है। सो इस तरह से मैंने लिंक क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं, राइट। सो यहां पर मैं मेन वाला फाइल ओपन करूंगा। सो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो फाइल का नाम क्या है, hyperlink.html, क्योंकि ये जो फाइल है हाइपरलिंक का है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज आएगा देख लो यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स दिस इज पेज वन करके आ गया और पेज का नाम क्या है, page1.html। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, दो पेजेस बनाना है, एक कोई भी हाइपरलिंक करके नाम दे दो और एक पेज वन करके नाम दे दो। सो क्या करना है आपको, दो पेज एक ही फोल्डर के अंदर सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो कोडिंग है इसमें एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जब आप हाइपर रेफरेंस दे रहे हैं तो पेज का नाम क्या है, page1.html। मान लो मैंने पेज का नाम यहाँ पर चेंज करके राइट क्लिक रीनेम करके पेज टू कर दिया, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसमें जो मैंने नाम चेंज किया है यहाँ पर पेज टू डाल दूंगा। तो जो पेज का नाम रहेगा आपका नेक्स्ट वाला वही पेज का नाम यहाँ पे डालना है, फिर सेव करना है आपको। बस अब देखेंगे पेज टू डाला है तो यहाँ पे इसका आउटपुट आना ही चाहिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पेज का नेम आ रहा है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इजिली दो पेज को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और अपना जो वेबसाइट होता है उसके अंदर आप इस टैग का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।